ठीक है, इसको मैंने स्वीप कर दिया। ठीक है, ये मेरा स्वीप हो रहा है, और इसको जब मैंने ओके किया से, और इसको हम चेक कर लेते हैं इसका, तो ये देख रहे हो अलग से होलो है ना। लेकिन अब हमने क्या किया, जब हमने इसको सर्कल में किया तो होल आपस में कनेक्ट हो गए, तो सर्कल तो बंद हो गया हमारा, लेकिन आपका अंदर से वो होल है, और वैसे आपने सर्कुलर शेप में उसको रखने से वो आपस में उसका जो मेन पॉइंट था वो क्लोज हो चुका है। ओके ठीक अच्छा, है, अगर इसको सॉलिड करना तो सॉलिड कैसे करेंगे? अगर इसे सॉलिड करना है तो सॉलिड करने के लिए फिर आपको इसमें टॉरस बनाना होगा, या इसमें आपको रिंग कुछ और सॉलिड कमांड यूज करनी होगी। सॉलिड कमांड यूज करने के लिए आपको, या फिर आप क्या कर सकते हैं, दूसरा काम है यहाँ पर, आप इसके आगे कैपिंग कर लीजिए क्योंकि ये होलो है, ओके और कैप इस कर साइड दिए, भी आप सॉलिड कैप कर लीजिए। हाँ, कैप कर हो सकते हैं जाए, आप, कैप कर तो दिया सॉलिड हो आप। जाएगा। नहीं, तो वो सॉलिड नहीं होगा, सिर्फ अभी कैपिंग लगी, कैप हो गई। अब क्या है इसमें, हाँ ये पार्ट और ये पार्ट अभी कैप से वो ज्वाइन हो गए, लेकिन ये सॉलिड नहीं है। ठीक है, तो सॉलिड करने के लिए आपको एक कमांड मैंने बताया था, अगर आपको याद हो आप लोगों को तो आप बता सकते हैं मुझे कौन सी कमांड थी। कौन अगर मैंने कौन आपको सी? बताया था कि अगर मेरे पास सरफेसेस के अलग अलग फेसेस हैं, वो सारे मैंने एक्सप्लोड हो चुके हैं, फिर मुझे उसको मेगा सॉलिड बनाना है, तो मैं क्या सी कमांड यूज कर सकती हूँ, याद है तो बताइए, तो फिर मैं बताऊं। ध्यान नहीं ध्यान नहीं आ रहा। नहीं है, क्रिएट सॉलिड, ट्रेड सॉलिड, या क्रिएट क्रिएट सॉलिड, ओके सॉलिड, सी आर सी याद आया? सी आर ई आ ए टी गया। क्रिएट सॉलिड। हाँ, तो क्रिएट सॉलिड हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पर देखो क्रिएट सॉलिड होगा कमांड एक आपका, सॉलिड क्रिएट सॉलिड, ये रहा, दिस इज अ क्रिएट सॉलिड। ओके ये सरफेस जो भी आपके हैं उसको अगर क्लिक कर दोगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। तो मैं इसे क्लिक कर रही हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एंटर, जैसे मैंने एंटर किया तो इसने इसको ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर दिया सब चीजों, तो अब ये आपका प्रॉपर वन पॉली सरफेस इज एडेड टू सिलेक्शन। ठीक है, तो ये आपका सॉलिड हो चुका है, ये कोई कॉपी नहीं करो, क्लियर, इतने कॉपी ओके लेकर। अच्छा, आपने जो रिंग बनाया है, या आप जब भी बना रहे थे प्रैक्टिस कर रहे थे, आपने ट्रेसिंग का भी प्रैक्टिस किया होगा, तो क्या डाउट्स आए आपको करते समय, आपको क्या लगा कि मुझे कैसे बनाना है, जैसे कि मैंने आपके सामने रखा था कि आपको एक रिंग बनानी है जिसके डायमंड्स लगाने हैं, तो उस समय आपको कोई डिफिकल्टी फेस, मुझे कैसे स्टार्ट करूं, क्या बनाऊं इसमें, ऐसा कोई क्वेश्चन माइंड में नहीं, आया हो? इसमें इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ये तो हो गया था इस सारा, क्योंकि ये तो हाँ, सिंपल। तो इसमें मतलब वो मेरी कहने ट्रेसिंग, का मतलब है कि आपको आइडिया क्लियर हो रहा था ना कि मुझे करना क्या है। हाँ कि सिंपल था ये सारा, हो गया सिंपल था, डायमंड से लगा दी सिंपल। कुछ चीजें हम लोग डंडी टेढ़ी करनी, सोचा डंडी टेढ़ी हो कि मैं ऐसा नहीं बन रहा था। मतलब कैसे टेढ़ी? जैसे जैसे अपर जब हम टॉप से देखें तो उसको वी शेप में या दोनों साइड में पॉजिट करके बीच में कोई डायमंड लगाओ, तो मेरे से वो नहीं हो रहा था। मतलब तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता सर, इसके लिए सबसे पहले आपको फ्रंट पे आके, क्योंकि जब हम डंडी कोई भी टेढ़ी करते हैं, एंगल पे करते हैं, तो हमें फ्रंट पे काम करना होता है। फ्रंट पे करना होता है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली है, दिस इज माय स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब मुझे स्ट्रेट लाइन को एंगल पे काम करना है, तो यहाँ पर मैं एंगल पे से काम कर सकती हूँ। मैं एंगल पे, मैंने आपको एंगल वाली कमांड बताई थी, शायद आपको याद होगा, लाइन को क्रिएट करने के लिए। तो आप कोई भी एंगल पे लाइन को बना लीजिए, जो भी आपको एंगल डायमंड के लिए चाहिए। ठीक है, जब मैंने, मेरा एंगल हो गया तो मैं इसको कर लूंगी यहाँ पर पाइप, मैं अभी यहाँ पर यूज कर लेती हूँ पाइप। पाइप के लिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट, और वन की जगह मैं यहाँ पर लेते हैं टू, टू बड़ा हो गया, वन ठीक है हमारा। ठीक है, पाइप ले लिया, अभी इसको मैंने, पाइप को मुझे राउंड यूज करना था, है ना, पाइप में राउंड है ना हमारे पास, याद है आपको? हाँ हाँ, तो ठीक है,
तो यहाँ पर हम कर लेंगे मिरर, अब ये ध्यान रखिएगा जो आपने लाइन दिया है उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, तो ये पहले मुझे करना होगा मूव। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ठीक है अब मैं इसको कर लूंगी मिरर। समझ आया? अब इसको पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हमारे पास दो एंगल पे ऑलरेडी है, ये देखिए दिख रहे। फिर मुझे इसको और मिरर करना है तो मैं इसको टॉप व्यू में आ जाऊंगी, क्योंकि मैं इसको मिरर से टॉप से ही कर सकती हूँ। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारा कहाँ पर है वो। जैसे समझ नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, हमेशा किसी भी एक व्यू में जाके उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन होगा तो मुझे टॉप से समझ आएगा, यहाँ देखो, और फिर इसको मैं मिरर करने की कोशिश करूंगी। तो मिरर जब मैं करूंगी तो हमें ये देखना होगा कि हमें कैसे इसको मिरर करना है। तो कैसे मिरर करना है तो इसके लिए मैं एक बार इसका पर्सपेक्टिव देख लेती हूँ। इसको मैं इससे साल प्लान कर लेती हूँ पर्सपेक्टिव में, ये देखिए अब इसका हम एंगल चेंज कर लें, देख रहे हैं एंगल, एंगल जी कितना चाहिए 90 डिग्री सिंपल। तो हम यहाँ से ले लेंगे 90, आ गया सही। अब इसको हम कर देंगे इसमें, आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि वो मूव सही से हो, अदरवाइज क्या होगा आपस में कोलैप्स हो जाएंगे। ये देखिए मूव हो गया, अब किसी भी एंगल से घुमा लीजिए सही है। अब इसके ऊपर आपको डायमंड रखना है। तो जब अभी देखो मैंने 3D में उसको मूव किया है, तो 3D में नहीं करके हम उसको हर एंगल से चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने मूव करने से बिल्कुल ठीक हुआ है, आप इसको फ्रंट से देखेंगे राइट से देखेंगे, क्योंकि कभी कभी मैं पर्सपेक्टिव में सही लगता है लेकिन जब हम उसको चेक करते हैं तो वहां पर गलत हो। आपकी साइड से ना नॉइस बहुत है। मेरे यहाँ से नहीं आ रही, आता है अब ये नहीं पता कहाँ से आ रहा है लेकिन नॉइस बहुत होती है। क्या मतलब क्या कोई, मैं कह रही हूँ कुछ मुझे ऐसा लग रहा है। राजी खाना खा रहे क्या आप? नहीं नहीं हाँ तो फिर मुझे ऐसा लगा क्या आज वाइफ की जगह आपको खाना बनाना है। नहीं हाँ नहीं खाना तो बन मुझे लगा हम मैं नीरा जी से बात कर रही तो आप अपना किचन वाला काम निपटा रहे हैं क्या? नहीं अच्छा चलो बढ़िया, क्लास का वेट कर रहा था मैं तो। नीरा जी इतना समझ आ गया आपको? हाँ जी हाँ जी। तो ऐसे जो भी आपके छोटे छोटे डाउट्स है ना उसको आप क्लियर कर सकते हैं क्लास में, और कोशिश करिएगा कि अभी आपको ना और रिंग्स पे प्रैक्टिस करना है। अब देखो कुछ रिंग्स ऐसी होती है जिसके ऊपर से कुछ डिजाइन होते हैं, लीव्स होते हैं, समझ रहे? लीव्स होते हैं या कुछ और भी कुछ कर्वेचर शेप होती है, तो उस चीज के लिए हमें टॉप से इसमें काम करना है या हमें उसको राइट से काम करना है, क्योंकि डिजाइनिंग तो बनेगी अगर लीव भी है या कोई और कोई शेप है तो डिजाइन तो बनेगा, उसकी ड्राफ्टिंग भी होगी, लेकिन ड्राफ्टिंग के बाद ही हम उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब हम 3D में कन्वर्ट करते हैं तो हम फिर दिमाग से अपना सोचना होता है कि इसको मैं एक्सट्रूड करूं या फिर इसको मैं स्वीप से इसको मैं 3D मेरा ज्यादा ठीक बनेगा या मेरा पाइप से 3D ज्यादा ठीक बनेगा, फिर वो हमें उसकी कैटेगरीज में उसको डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन जब तक आप उसका 2D क्रिएट नहीं करेंगे हर एंगल से, आप हो सकता है कि कोई चीज आपको टॉप से डिजाइन करनी पड़े, टॉप के बाद वो आपका फिर बाकी जो डिजाइन है टॉप से काम नहीं करा, फिर आपको फ्रंट पे आपको उसको डिजाइन करना है अलग से, फिर उसको उसको मूव, जैसे अभी मैंने ये आपके सामने पाइप बनाया फ्रंट से कॉपी किया, टॉप से कॉपी करने के वो ठीक नहीं हुआ, फिर मैंने उसको रोटेट किया, समझ रहे? तो मुझे उस तरह से फिर कुछ उसमें चेंजेस करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही फाइल से या एक ही व्यू से हम सारा डिजाइन क्रिएट कर, ये पॉसिबल नहीं होता 3D के लिए। तो ऐसे आप और कुछ छोटा छोटा देखेंगे और उसके बाद आप
उसकी प्रैक्टिस और करेंगे, क्योंकि अगर आप अभी चार पांच रिंग अच्छे से बना लेंगे, अब आपको क्या करना है, अभी आपको ट्रेसिंग इतनी समझ आ गई होगी और आपने डिजाइन आपको समझ आएंगे, तो आप कोई भी रिंग, 3D की रिंग उठा के उसको बनाने की कोशिश करिए। अब ये एक तो होता है कि आप वीडियोस की हेल्प से बनाइए, देखो मैं आपको कहूंगी कि आप 2-3 वीडियोस देखने के बाद बनाइए, और 2-3 वीडियो देखने के बाद आपको खुद से अटेम्प्ट करने होंगे, फिर आप वीडियो की हेल्प नहीं लेंगे। ठीक है, अभी आप ले सकते हैं क्योंकि अभी आपका एकदम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करवाऊंगी अब। ठीक है, ठीक है, 2-3 आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि फिर आप उसका मतलब फिर आप डिपेंडेंट हो रहे, तो डिपेंडेंट हमें नहीं होना, हमें उसके अकॉर्डिंग सोचना है। ठीक है, क्या बोला आपने, मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बोले एक बार। मैंने वीडियो भेजी है, उसके अंदर एक वीडियो है, एक है फाइल जिसके अंदर सिंगल पीस का क्वालिटी है और उसमें सिंगल पीस की रिंग बनाई है। आपने वीडियो भेजी है? नहीं, वो इसी जैसी इसमें भेजी है ना, और नीचे ऑल डायमंड्स नीचे, सॉलिटर वाली, हाँ ये वाली। ये वीडियो है सर? नहीं नहीं नहीं, ये भी ऐसे ही है, फाइल ही है। Dear friends, this is our YouTube channel. If you like this video, please subscribe our channel and press the bell icon. And this is our website, germanyarchitecture.com. And these are the courses we are provide trainings on this software as well as interior designing architectural diploma. Let's start. मेरा ना ये बैलून, इसके बैलून डिफरेंस करना था, जो क्वालिटी जो डंडी लगाई है मैंने, पाइप लगाया है, बैलून डिफरेंस करके मुझे दूसरी जो बाहर, ये नहीं, नीचे 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 इसके नीचे, ये वाली पाइप से बैलून डिफरेंस करना था, ये हो नहीं रहा, डिफरेंस कर रहा हूँ, बैलून डिफरेंस हो नहीं रहा। डिफरेंस क्या होगा आपको मालूम है? इसका होगा इसके अंदर बीच में एक पाइप बन जाएगा, मुझे उसके बाद दूसरी जो मैंने बाहर डंडी रखी है ना वो फिक्स करनी, ताकि वो उसके अंदर अंदर बाहर आराम से इजीली हो जाए। मैंने वो ये 9 mm की, सॉरी 0.9 की है, वो 0.8 की है, छोटी पतली वाली। नहीं, मैं पहले ये समझना चाहती हूँ कि आपने जो रखा है ना, ये जो आपने रखा है इसको आपको हटाना है, बैलून डिफरेंस करके बीच में एक वो पॉइंट आ जाएगा खाली, वैसा एक छेद बन जाएगा उसके अंदर। हाँ, एक होल चाहिए यहाँ पर। हाँ ठीक है, उसके बाद आपको ये पाइप यहाँ फिक्स करना है। हाँ, दूसरा जो बार साइड रखा हुआ है मैंने पाइप। हाँ, तो आपको ये हटा के यहाँ पर होल चाहिए। हाँ बस यही कह रहे ना, इससे बैलून डिफरेंस कर रहा था कि होल आ जाए, लेकिन हो नहीं रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये सरफेस का काम है और वो 3D का है। लेट मी चेक, मैं एक बार चेक कर लेती हूं। आपसे तो हो गया, मेरे से हो ही नहीं रहा, मैंने सब कुछ किया ऐसे इसको करके, इसको डिलीट भी करना था, हो ही नहीं रहा था, मेरे से दोनों इकट्ठे हो रहे थे। हाँ, ज्वाइन हो जाते हैं, कर दो। वो ज्वाइन नहीं हो रहा था, ऐसे कैसे हो रहा था, मतलब इसको डिलीट करने के बाद ज्वाइन हो रहा था ऊपर नीचे वाला, वो आप कोई बात नहीं, कभी कभी ज्वाइन हो जाता है तो उसको आप एक्सक्लूड कर दो, तो वो उसके सारे पार्ट अलग हो जाएंगे, तो उसके बाद उसको जो भी पार्ट आपको चाहिए उसको डिलीट कर दो, बाकी को रहने दो। ओके ओके ठीक है। हो जाता है कभी कि हम उसको जब क्योंकि इसकी क्या है, ये कनेक्टिविटी है, ये इसके साथ कनेक्टिविटी है ना, तो वो कनेक्टिविटी को कहीं ना कहीं अपनी लूज नहीं करना चाहता, तो वो किसी के साथ ज्वाइन हो जाता है, किसी के साथ मर्ज हो जाता है, तो जब मर्ज हो जाता है तो वो चीज उसका पार्ट बन जाती है, तो फिर हम उसे एक्सप्लोर कर देते हैं, उसके बाद जो पार्ट हमें नहीं चाहिए उसे डिलीट कर देते हैं। ओके, अब ये आप पाइप यहाँ पर इजली लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ राज जी, अब बताइए आपका कोई डाउट है तो। जी मैम, मेरा तो है बहुत सारा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। नीरज सर का हो गया? हाँ, नीरज सर के भी डाउट्स हो गए, इसके बाद हम उनके पास दोबारा आ जाएंगे।
स्क्रीन शेयर मैम, एक मिनट रुकिए, मैं मेरी स्क्रीन हो रहा है, मैं तो देख लेती हूँ, अभी आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है मेरे पास। नहीं अभी मेरे पास नहीं है स्क्रीन शेयर। आप एक बार दोबारा से डिस्कनेक्ट करके दोबारा, हाँ अब आइए स्क्रीन, लेकिन थोड़ा सा वो ब्लर आ रही है। हमारी है राज्य की शादी बहुत होती है। हाँ आज बर्थडे है किसी का, बर्थडे भी डोर बजा रखा है। और कहीं ये म्यूट कर लीजिए जहां से साउंड आ रहा है, इतना साउंड से आ रहा है वो गली टोल बज रहा है इस आपके वहां। हां जी क्या हो रहा है, बंद कर दिया। देखिए स्क्रीन आपकी स्क्रीन ना ब्लर हो रही है राजकुमार जी, नेक्स्ट करो। नीरज जी आपको भी ऐसे दिख रहा है, क्योंकि मुझे बहुत पिक्सलेट दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है मेरे को, तो कुछ नहीं ना, बस स्क्रीन पर डॉट डॉट दिख रहे हैं सारे। हाँ वही व्हाइट है, उसमें कुछ डॉट डॉट दिख रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो आप राज जी एक बार दोबारा से स्क्रीन हटा के दोबारा से शेयर करिए। एक बात लिखी थी, जैसे मैं भी सेव करता हूँ ना, खोलता हूँ, तो एक चीज लिखी हुई आ रही है उसके अंदर बार बार, यू प्लेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनएसओरस डाटा ऑन क्लिपबोर्ड, तो डू यू वांट टू दिस डाटा, मतलब उसको डाटा कैसे कम करना है। तो अब उसका एक्चुअली बैकअप फाइल अपना बन जाता है ना, मतलब ये हर बार आ रही है, अभी कल से आने शुरू हुई है, लिखा था यू प्लेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनएसओरस डाटा ऑन अ क्लिपबोर्ड, डू यू वांट दिस डाटा टू बी डिलीवर्ड ऑन अदर सेशन ऑफ एनएसओरस आफ्टर यू क्विट दिस वन, 55 पेजेस इन द ऑप्शन डायलिंग डायलॉग फॉर फोर ऑप्शन, इसका कैसे इसको सॉल्व करना है। अब मुझे इसका स्नैपशॉट भेज देना तो मैं समझ पाऊंगी। और क्या कहते हैं, वैसे आप इसको आप ओके कर दीजिए, करिए क्विट कर दीजिए, करें ठीक है, मैं यस करके कर देता हूं तो हो जाता, लेकिन कल से आ रहा, मैं आपको भेज दूंगा उसको इंटरनेट बंद। हां स्नैपशॉट भेज दीजिएगा आप, मैं स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही, नहीं सर अभी नहीं आ रही, क्या करूं। यहाँ से शेयर दिखा रहा मैम, यहाँ पे तो नहीं आ रही राजकुमार जी। नहीं राज जी आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा पूछ रहे, ऐसे ही पूछ रहे डाउट आपका, जब स्क्रीन शेयर होगी तब देख लेंगे। था एक तो जैसे वो सोल नहीं बना रहा था मैं, जो मैंने आपको फाइल दिया था, हाँ उसमें उसमें काफी हद तक आ गई आपकी स्क्रीन। ये तो बैठ गया, कैसे हो गया? ये कैसे हुआ फ्लो लॉन्ग? बहुत बार कोशिश करा उसके बाद हुआ घुमा फिरा के, लेकिन वो जो स्ट्रेचेस होता है ना, क्या होता है ये इनका जो शेप है ना, हाँ ये जो शेप सबके गोल गोल से सबके एक जैसे, लेकिन ये स्ट्रेच होने चाहिए थे, थोड़े से खिंच जाए ना, जैसे यहाँ पे सही आ गया फिर ऐसे खिंचता हुआ चला गया, जैसे ओरिजिनल फोटो में है पहला, तो वैसे
नहीं वो तो क्योंकि इसमें अगर हमने फ्लो अलोंग कर्व लगाया तो वो उसी के अकॉर्डिंग जैसा वहां पर हम शेप रखते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मर्ज करता है। अगर रिगेट को हम लोग ऑफ कर देते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है कहीं कहीं शेप अकॉर्डिंग टू, अगर हमारे साथ टर्न कहीं हो रहा है तो वहां पर वो स्ट्रेच हो जाता है। लेकिन मुझे ये अच्छा जानना है कि ये भी काफी बार एप्रोप्रिएट नहीं आया था अब देखिए सर काफी सही आया है। हाँ जो जो उसके बाहर का था ना हिस्सा, जैसे कि हाँ हमने जो नीचे शेप रख दिए थे ये बहुत सारे पॉलीगन्स, ठीक है, हाँ उसके मैंने हाँ एक्स्ट्रा बाहर का सारा डिलीट कर दिया था, उसके बाद मैं कर रही थी तो भी मेरा उसमें अकॉर्डिंग टू फिट नहीं हो रहा था। तो अगर हम हिडन ट्राई कर रहे हैं तो इसमें ऐसा क्या हमने आपने क्लिक किया है कि ये प्रॉपर उसमें फिट हुआ, वो मैं पूछ रही हूँ। इसके इसको इसको मैंने खाली घुमा दिया बस। ये जैसे हम इसको लेते थे ना, जैसे यहाँ से अब इसको कर्व लेते हैं ना, सरफेस जी बनाने के लिए वो कर्व बन जाता है ना ऑटोमेटिकली, क्या जी नाम था, क्रिएट यूवी कर्व। तो वो जैसे इस शेप में आता था पहले, उसके बाद मैंने उसके ऊपर रेक्टेंगल इसको बना, हाँ उसके बाद उसको बना के रेक्टेंगल को हटा दिया, फिर इसको ट्रिम कर दिया और इसको ऐसे सीधा सीधा कर दिया बिल्कुल। सीधा सीधा, मतलब कहीं है सी बता कॉपी बनी। नहीं मैंने भी वही किया, मैंने भी जो ही शेप है मैंने वो हमारे पास यूवी रेक्टेंगल बनता था ना, मैंने यूवी रेक्टेंगल बनाने के बाद ये शेप भी लिया, इस शेप को उसके अकॉर्डिंग मर्ज किया, फिर आउटर जितना भी रेक्टेंगल था उसको डिलीट करके इसी शेप में काम किया। वो देखो वैसे ही इस होगा कोने, ये एक कोना है, इस कोने को मैंने लिया सीधा और ये सीधा यहाँ पे आया, फिर इसको ऐसे सीधे इसी शेप में खड़ा कर दिया और इस कोने को ही लिया, जिस कोने से मैंने टच किया ना, यहाँ से यहीं पे इधर से बना के साइड में इसके भी यहीं पे कोना लिया इस। अब जैसे ये सीधा सीधा दिख रहा है, अब हमने जो बनाया उसको उल्टा करके बनाया, ये वाला नीचे वाला हिस्सा ऊपर कर दिया, ऊपर वाला नीचे कर दिया, यहाँ से कोना क्लिक किया और इस कोने में लाके टच कर दिया, फट से आ गया इसके ऊपर। फिर मैंने 3 बार लगातार करा इसको कि अब हो रहा है कि नहीं, अब हो रहा है कि नहीं, अब हो रहा है कि नहीं, तो थोड़ा सा हाँ, समझ क्योंकि में आया। कह रही हूँ कि हिट एंड ट्राई नहीं होना चाहिए हमारा, क्योंकि हाँ एक बार हो गया फिर दोबारा करे तो नहीं हो रहा, तो फिर वो चीज सही नहीं होती। तो मैंने 3 बार करने के बाद चौथे बार में मैंने इसको वैसी उसी जगह पे आया, तो मैं समझ गया कि इसके एंगल का भी फर्क पड़ता है कि कोने कोने से, अगर मैंने इस कोने से करा है कर्व को लिया है तो इसी कोने में ही लाकर इस कोने को ही देना है। तो वो तो ये मेरे होता है। दिमाग में आया, ये मेरे दिमाग में आया वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा दूसरा एक तो ये था कि जैसे देखिए अब ये जो इस पे बना हुआ है, अब इस जी पे तो हमने बिठा दिया, ठीक है, अब इस पे बिठा दिया, लेकिन ये एक ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पे रखा हुआ है, वो क्योंकि इसके इसलिए ऐसा साथ, आ रहा। हाँ इसके साथ ये मैच करने के लिए क्या करें कि एक शेप में आ जाए। अब जैसे ये ब्लू मैंने अभी करा है इसको, अब मैं इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है, अब ये रेड कर दिया, तो ये देखिए ये लग रहा है कि इस पे एक मतलब ऐसे रख के चिपका दिया है, लेकिन एक इस कर्व के साथ नीचे वाले सरफेस के साथ मैच करता हुआ उठे, है ना। अब देखिए इसके लिए मैंने इधर से फिर ट्रिम भी करा इसको पूरा। अच्छा कहीं कहीं ट्रिम भी नहीं होता है, जैसे देखिए छोटी सी चीज है कि यहाँ पे एक ट्रिम नहीं हुई, नहीं होगा। कहीं कहीं नहीं होता है। तीसरा ये था कि ये कैप देखिए खुली हुई है, जैसे हमने इसको ट्रिम करा ना साइड से काटा, तो ये खुली हुई है, ये मुंह खुला हुआ है। इसको पैक करने के लिए क्या करें कि ऐसे कर्व लेके अलग अलग सरफेस बना के पैक करें या कैसे करें। लगा दो ना, हाँ? कैप लगा कैप दो, कैप नहीं लग पा रहा इसमें, कैप नहीं लग पा रहा, देखो कैसे पैच कर दो, उसकी शेप लेके उसको सरफेस बना दो, कैप को एक्सप्लोर करने पड़ेंगे सारे क्योंकि एक साथ लग गए सारे। हाँ? आपने जब इसको किया तो होगा ना यूवी, तो वहां पर आता है एक एक्सप्लोडेड फॉर्म में, तो एक्सप्लोडेड फॉर्म होता तो ये पहले से अलग होता है, ये ग्रुप में बन गया ना। हाँ ग्रुप है, ग्रुप करके करा हुआ है, अब इसको मैंने ग्रुप किया हुआ है, काफी सारी ग्रुप कर दी कर दिया। अब अब ऐसे कहाँ एक एक पे, करके, एक एक करके तो मैं कर ही दूंगा, एक एक करके तो हो ही जाएंगे, लेकिन मैं इसका जुगाड़ सोच रहा था कि कुछ ऐसा आप बता पाए कि
किसी एक बार कमांड लिया और फटफट टच करता हुआ चला गया सर्फिस बनते हुए। सब में एक साथ नहीं लग सकता क्योंकि ये ग्रुप है, ग्रुप में क्या होता है वो पूरा ग्रुप सिलेक्शन लेता है, वो इंडिविजुअल सिलेक्शन नहीं लेता। अच्छा, मेरे लिए ये एक बहुत जरूरी कमांड होगा मैम, इसके लिए जैसे जो मैं बता रहा था कि ऐसे इसमें मैच करता हुआ उठे। ब्लेंड करो यहाँ पर, कैसे करो मैम? ब्लेंड कमांड लो। ये लेता ही नहीं है ना, ये देखिए एज नहीं ले रहा है ये वाला एज, तो इस वाले पेज पे एज नहीं है ना। अच्छा एक सारे कॉर्नर वाला एज, दूसरा वाला एज सेलेक्ट करो एक बार। कौन सा वाला? इधर वाला का नहीं, उसके किनारे का। अच्छा उसका एज तो नहीं होगा इसलिए ब्लेंड काम नहीं करेगा। यहाँ पर एक बार फ्लिट करो, यहाँ पर फ्लिट। ये वो भी नहीं ले रहा है। हाँ वो मैं चेक, वो नहीं लेगा, फ्लिट नहीं लेगा, ले क्योंकि वो नीचे वाला पार्ट बहुत नीचे चला गया इसलिए वो फ्लिट नहीं लेगा। अच्छा इसको करने के लिए हमें और क्या यूज कर सकते हैं? और तीसरा ये था कि ये देखो मैं सारे बता रहा हूँ, मैं जिन प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, जैसे अब इन सब को मैंने फ्लिट किया हुआ है, ठीक है, दिख राउंड दिख रहा है ना ये वाला, ये इनको फ्लिट किया हुआ है। हाँ जी ठीक है, लेकिन ये भी कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा, ये खराब हो जाता है। अब जैसे देखिए मैं इसको मैं बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं मैं बिल्कुल कम भी ले रहा हूँ, देखिए 0.2 लिया हुआ है, ठीक है, इसको पॉइंट इधर वाला 0.3 लिया हुआ है, 0.3 है इधर का, अब इसको 0.2 लूंगा। अब देखिए इसमें ये डंडी सी निकल आती है और फ्लिट भी नहीं हुआ। ये क्यों निकलता है? मेरे साथ बहुत बार निकलता है, चेंज करता हूं तो ये इसलिए निकलता है क्योंकि वो ओवरलैपिंग हो रही है। पहले तो आपने सिर्फ कॉर्नर जो है वो भी आपका फ्लिट है, है ना, तो वो इसलिए ओवरलैपिंग होती है। उसको कॉर्नर आपको फ्लिट नहीं करना था, कॉर्नर को शार्प रहने देना था। अच्छा इसलिए ये दिक्कत होती है, ये तभी होता है जब आपका वैल्यू उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं करता। अच्छा कॉर्नर फ्लिट ना, कॉर्नर को फ्लिट ना करें, सरफेस बनाने के बाद कर दें। हाँ एक बार ट्राई करो, सेम इसको उठा लो, सेम कॉर्नर हटा लो, इधर कर देते हैं ना, देखिए आया हुआ। अब ये सरफेस है ना, इसका कॉर्नर हटाना है। हाँ मैम, इसे कॉर्नर हटा के शार्प कर दीजिए इसको। कैसे कैसे हटाऊं कॉर्नर? काट ट्रिप कर दूं, स्प्लिट कर दूं? आप कॉर्नर जो है ना तो एक्सप्लोर करो पहले। ये तो एक है ना, पूरा ज्वाइन है पूरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सप्लोर कर दो उसको। हाँ कर दिया, आप इसका यहाँ फ्लिट आउट डिलीट कर दीजिए। अब इसको ज्वाइन कर दूँ? ज्वाइन मत करो, फ्लिट करो दोबारा से। क्या करूँ? क्या पा रहा है तो? स्प्लिट करूँ? फ्लिट दोबारा फ्लिट करो, लेकिन वैल्यू वापस जीरो कर दो। इसको सरफेस तो बनाना पड़ेगा ना। अच्छा ओके ओके समझ गया मैम। पहले आप उसको क्लोज तो करोगे ना? हाँ जी। अच्छा क्लोज जीरो करिए, प्लेट की वैल्यू जीरो करेंगे आप, प्लेट के अंदर जीरो। ओके ये आपने एक अच्छी चीज बताई यार। ठीक है अब इसको सर पे पैच कर दो ना, एक्सट्रूड कर दीजिए ना सिंपल। हाँ
एक्सक्लूड करो ऊपर से कैप कर दूं। कैप क्यों करोगे? कैप करोगे तो फिर ठीक नहीं आएगा। प्रॉपर एक्सट्रूड करिए ना सॉलिड को। ये तो होल हो गया आपका। सरफेस में सॉलिड हो जाएगा एक्सट्रूड करते हैं। सॉलिड कौन करिए ना एक्सट्रूड स्टेट में जाएगा। एक्सट्रूड सरफेस कर्व। कर्व होगा ना मैम? हाँ। लेकिन ये तो ऐसे आ रहा है ना? सॉलिड यस सॉलिड में जा सॉलिड यस कर दिया। लेकिन इसमें भी तो सीधा ही सीधा आ रहा है ना? एक मिनट करो, ये करा हुआ है बोथ साइड, दोनों साइड आ रहा है। सॉलिड है करके देखो, बोलो सॉलिड हो रहा है। ये सॉलिड तो आपका नहीं बन रहा। एक करो सर, आप इसे ओके तो करो। कर दिया। और ये सॉलिड नहीं हुआ था, इसका एक रीजन हो सकता है, जब आपने ये यूज किए होंगे ना। हाँ। तो उसमें लाइन में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए वो हुआ नहीं। तो आप एक काम करो, इसको कैप करके ट्रेड सॉलिड कर लेना। अब इसको कैप करूं? हाँ। कैप कमांड भी मैं अभी तक यूज नहीं करा एक बार भी, वो भी नहीं होता। देखिए वो भी नहीं हुआ। कैप नहीं होता ना अभी तक? मैंने कैप कमांड यूज नहीं किया किसी में भी और नहीं हुआ। कैप लिखो फिर इसको, इसको सिलेक्ट करो ना पहले। कैप लिखो, इसको सिलेक्ट किया, बाद सिलेक्ट बाद में करो ना पहले। कैप कर लो। अच्छा पहले क्या करूं? कैप लिख लो। कैप ठीक है। कहां आया? कैप नहीं हुआ? नहीं। सेलेक्ट करो। हाँ। एंटर चल कर दो। एंटर करो एक बार। नहीं हुआ। ठीक है। आप एक चल कर दो। ड्यू पैच ले लो। ड्यू बॉर्डर ले लो। ड्यू पैच ले लो। डुप्लीकेट एज। आप ना इसको अपना म्यूट कर लीजिए और मेरी बात को सुनते रहिए। आप म्यूट कर लीजिए अपने साइड से। ठीक है। आपको क्या करना है उसमें? आपको कैपिंग करनी है तो कैपिंग हमारी नहीं हो रही, तो आप करेंगे ड्यूप एच कमांड लीजिए। डीयूपी एच डुप्लीकेट एच कमांड उठाइए पहले। ड्यूप एच, हाँ ठीक है। अब इसकी, हाँ अभी देखो कितने पार्ट में बना है, इसलिए आपका कैपिंग नहीं हो रही है और ना ही ये सॉलिड हुआ, क्योंकि हमारा इस तरह से पार्ट टूटना हुआ नहीं होना चाहिए जब हम 3D बनाते हैं। इसको एंटर करिए। एंटर करिए और साथ साथ से ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कमांड साथ ही डाल दीजिए। एक्सेप्ट कमांड से बार मत निकलना, सीधे ज्वाइन कमांड टाइप करिए फटाफट। JOIN ज्वाइन कमांड टाइप करिए। हो गया, हो गया, ज्वाइन हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? ज्वाइन हो गया होगा, ज्वाइन कमांड टाइप किया ही नहीं ना, तो हुआ कैसे ज्वाइन? लिखा ऊपर से ज्वाइन इनटू वन कर लिखा है ऊपर, हो गया लिखा आ रहा है। क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि हमारे डुप्लीकेट एजेस को फिर मैं एक करके क्लिक करें, इसलिए मैं ज्वाइन, आप ज्वाइन कमांड पर डालिए। राज्य मेरे पास, हाँ ज्वाइन कमांड एंटर। हाँ अब क्लिक करिए आपने वो क्लिक। देखो ड्यू पैच का मुझे चाहिए ना, वो मुझे एजेस चाहिए इसके। हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर इसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? सरफेस में। जब कभी हमारा कैपिंग नहीं होता है तो हम उसका डुप्लीकेट एज उठा के उसका सरफेस बना लेते हैं। इसका सरफेस कैसे बनेगा? प्लानर से ना, याद है कमांड? सरफेस का सबसे पहला वाला कमांड है, सेकंड कमांड है प्लानर में जाकर सेकंड वाला, सेकंड वाला ओके कर दो। Two faces were made, curve must be close up, curve नहीं हुआ इसका, ये नहीं हुआ। पैच करिए इसको। वन वन करेंगे नहीं तो ये बहुत सारी लाइन्स आएंगी, फिर पॉइंट्स में आपको दिक्कत होगी। यह इसको, क्योंकि इसमें आपको कोई प्ले रोल प्ले नहीं करना, तो इसको वन वन कर लेते हैं हम लोग।
ये हार्डली टू टू, इससे ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है? वन वन करेंगे या फिर टू टू करेंगे, वन टू नहीं कर सकते हम। आपको समझ आ गया? अब इसको जैसे हमारा ये इसी तरह से नीचे भी लगेगा, उसके बाद उसको हम क्रिएट सॉलिड कर लेंगे। कैपिंग क्यों नहीं हो रही? इसका रीजन यही है क्योंकि आपका जो सरफेस, वो जो उसकी लाइंस है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्लॉक करके बनी है। देखो, अगर हमारा इस तरह से एक्सप्लोडेड फॉर्म में कोई भी चीज बनती है तो उसपे हमारा जो अब आप यूज करेंगे ना इसको फ्लिट, तो वो प्रॉपरली नहीं काम करता। तो इसलिए याद रखिएगा कि जब आप काम करें तो वो बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड ना हो। इसे क्रेट सॉलिड करने के बाद ही आप एक बार फ्लिट मारेंगे नीचे से भी, अगर हो गया तो क्रेट सॉलिड कमांड यूज करिए। क्रेट सॉलिड नीचे सेकंड सबको सेलेक्ट करिए। सिलेक्शन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज छूटे नहीं। एंटर, ठीक है। अब इसमें प्रिंट कमांड यूज करिए आप। क्या फ्लिट कमांड नहीं काम कर रहा? फ्लिट कमांड डालिए, फ्लिट एजेस। मैं कह रहा हूँ जैसे नीचे का ये पूरा जुड़ा तो है नहीं, देखिए सब अलग अलग। फ्लिट सॉलिड नहीं हुआ इसका मतलब, अगर जुड़ा नहीं है तो। हाँ सॉलिड नहीं हुआ, फ्लिट सॉलिड नहीं हुआ मतलब। हाँ ये देखिए सब अलग अलग है, सॉलिड नहीं बना। क्योंकि ये देखिए ना, ये एक दूसरे से मैच है नहीं। अब नीचे का कर्व देखिए कहाँ जा रहा है ये। हाँ, तो इसलिए सॉलिड नहीं हुआ। ग्रिड कर दीजिए नीचे। एक दूसरे से पैच करने के लिए नीचे आपने जब पैच किया तो आपने उसका डुप्लीकेट एज बनाया था नीचे, ऊपर बनाया ना नीचे तो कर्व था। तो नीचे कर्व था तो अगर आपका कर्व थोड़ा भी स्लोप में जाएगा तो पैच उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ना होगा। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, देखो एक चीज को ध्यान रखिएगा, जब हमारा ये काम नहीं होता या हमारे पैचेस या कैपिंग नहीं होती तो हम लोग उसके लिए फिर दूसरी टेक्निक यूज करते हैं, जैसे कि इसमें हम डुप्लीकेट बॉर्डर यूज कर रहे हैं या डुप्लीकेट एजेस यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपकी जी कमांड है ना सरफेस वाली, सरफेस वाली कमांड में आपको ये देखना है कि वो काम कर जाए। वन टू थ्री फोर एजेस से आपको याद है एक कर्व बनता है, अगर आपको याद होगा तो। हाँ याद है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पैचेस हम तब यूज करते हैं जब वो किसी भी हालत में उसके ऊपर कर्व नहीं क्रिएट हो पा रहा या उसके ऊपर सरफेस नहीं बन पा रहा, तो हम पैच की तरफ जाते हैं, क्योंकि पैच एक ऐसी कमांड है जो किसी भी फेसेस पे काम कर सकती है। तो उससे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे यहाँ पे मैं सरफेस बना रहा था ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रहा था इसमें, ये वाली जो है ना जैसे ये नीचे मुड़ रही है ये एरिया जी, ये यहाँ पे मतलब बन नहीं पा रही थी तो बहुत। तो मैंने क्या करा, ये जो था पहले का हमारा बना हुआ था ना उसी में से मैंने कट कर दिया इसको, कट करके उसी को ऊपर ऑफसेट कर दिया ये। ओके, जैसे ये पार्ट है ना अब इसी से कट करके बनाया हुआ सारा जी। अब ये इससे इसको पहले लिया और एक कॉपी कर लिया और काट के इसको मैंने यहीं पे रख दिया, इसी जगह पे रख के उसी को सरफेस बना के उसको ऑफसेट कर दिया। ये सारा कटिंग ही है जितना है ना इस पे, एक कट पार्ट ही है, सरफेस हमने बनाया नहीं अभी इसमें। और अब मैंने
आपने बताया कि अब डुप्लीकेट एड्स करके ही एक रास्ता होता है सही बनने का, तो अब मैं ये करूंगा जी, अब इसका ट्राई करूंगा मैं। बाकी मैंने इसको काफी हद तक बना दिया है। दिखाओ पूरा, दिखाओ एक बार। अभी इसमें अपर का काम नहीं हुआ है, अभी इधर भी यहाँ पर भी 3D होना है, इस पे 3D बनेगा। आपको कल या परसों दिखा पाऊंगा इसको फाइनल में। इसके सारे लॉक खोलिए, जितने भी अपने हाइट के सारे ओपन करिए एक बार। ये इसका लास्ट है, अपर ये है, अभी कटिंग हो रखी है, ये इसका लास्ट है। इसके कर्व है। ये इसकी इमेज है। सारे ओपन करिए, सारे ओपन करिए, मैं कहती सारे को ओपन करिए। ये लास्ट मैंने पहले बनाया था। अभी थोड़ा घुमाइए। जी, काफी हद तक प्लेन क्लियर हो गया आपको चीजें। Dear friends, this is our YouTube channel. If you like this video, please subscribe our channel and press the bell icon. And this is our website, germanyarchitecture.com. And these are the courses we are provide trainings on this software as well as interior designing architectural diploma. Let's start.